श्री यादवेंद्र सरकार योगी राज श्री कृष्ण मथुरा की जेल में अवतार लेने के बाद अनेकानेक भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं रचाई और भगवान कृष्ण ने माखन चुराना जब प्रारंभ किया तो चोर मंडली बनाई और जब प्रभु माखन चुराने को चले तो गोपियां आपस में बात कर रही हैं, बहन बड़ा होशियारी से रहना होगा क्योंकि वो कृष्ण माखन छीन रहा है। और क्या बोली है गोपियां जल भरने को जा रही हैं यमुना के किनारे आपस में चर्चा कर रही हैं क्या वृंदावन की कुंज गलन में डाका पड़ने वाला है थाम के रखियो गगरी सिर पे माखन लुटने वाला है गोपी बोली बहन ऐसे क्यों छीन लेगो मैं ना दूंगी अरे बहन तू ना देगी वो छीन लेगो तो गोपी बोली है तेरी बहना ना दूंगी मैं माखन उसको क्या कर लेगा छलिया और सुन बहन मटक कर सर पे धरे गगरिया मैं ना दूंगी मैं माखन उसको क्या कर लेगा मेरा मैं जाऊंगी मटक मटक कर सर पे धरे गगरिया चोरी करता है बनवारी बहन तू होशियार ना बने वो तो जबरदस्ती छीने सुन सकी सबसे चोरी सीना चोरी करता है बनवारी बड़ा ढीठ है बाल गोविंदा बाके बाके बिहारी सबसे चोरी सीना चोरी करता है बनवारी बड़ा ढीठ है बाल गोविंदा बाका बाके बिहारी देखो कंकड़ हो वाला है थाम के
लुटने वाला है। रास्ते में मिल जाते हैं और कहते दारी की गोपियों तुम वो को ऐसे कह रही हो, तो भगवान ने क्या किया और बोले श्याम सुंदर ने गोपियों से, शुक्ला जी खाके रहूंगा माखन तेरा साचा वचन सुनाओ, खाके रहूंगा राजी से दे दो वरना ग्वाल बाल संग लाओ, राजी बेसन आए खाते हम तो जरूर खाएंगे, खाके रहूंगा माखन तेरा साचा वचन सुनाओ, राजी से दे दे दो वरना ग्वाल बाल संलाओ। एरी गोपियों सुनइयो, सुनो जल्दी से माखन दे दो, जल्दी से माखन दे दो, झगड़ा होने वाला है, हम के रखियो डगरी सिर पे माखन लुटने वाला है। तो क्या हुआ, चली गोपियां माखन लेके मुरली मधुरी बजाई, मनमोहन की मुरली सबकी सुध बुध दई बिसराई, लूटा माखन फोड़ी मटकी, लूटा माखन फोड़ी मटकी, अब क्या हो सिर पे माखन लुटने वाला।